पूरे सहारनपुर मंडल के गांव अलीपुर अटरेना में मिला ब्लैक फंगस का पहला मरीज। मेरठ मंडल के बाद अब सहारनपुर मंडल के जिला मुजफ्फरनगर में ब्लैक फंगस का पहला मरीज मिला है। यह मरीज बुढ़ाना ब्लॉक के गांव अलीपुर अटरेना में मिला है, जिसको उपचार के लिए मुजफ्फरनगर के एक निजी अस्पताल से मेरठ के लिए रेफर कर दिया है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेरठ के चिकित्सकों ने इस रोग पर काबू पा लिया है, मरीज को दिखाई देना शुरू हो गया है। जबकि गांव में अन्य लोगों में दहशत का माहौल है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ाना के प्रभारी ने कहा कि इस बीमारी से किसी भी ग्रामीण को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर इस गांव में आधा दर्जन लोगों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, सभी को उनके घरों में ही होम आइसोलेट कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बुढ़ाना ब्लॉक के गाँव अलीपुर अटरेना निवासी 29 वर्षीय अनुज उर्फ सोनू त्यागी को पिछले हफ्ते अचानक से बुखार आया था। तब उसको गांव के चिकित्सकों को दिखाया तो वह ठीक हो गया था। उसके एक दो दिन बाद उसकी आंखों में लाली आने शुरू हो गई थी, फिर उसकी आंखें सूजकर मोटी हो गई थी। उसके बाद उसकी आंखें, नाक और पूरा जबाड़ा सुन्न हो गया था, नाक से खून आना शुरू हो गया था, दिखाई देना भी बंद हो गया था। तब घबराहट में परिजन उसको मुजफ्फरनगर में स्थित एक अस्पताल में लेकर आए, जहां पर चिकित्सकों ने उसको 3-4 दिन रखकर गंभीर हालत होने पर यह कहकर मेरठ रेफर कर दिया कि इसको ब्लैक फंगस है, हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। यहां पर इस अस्पताल के चिकित्सक ने इस मरीज के तीमारदार से 50,000 रुपये भी ले लिए। उसके बाद गंभीर हालत में अनुज उर्फ सोनू को मेरठ के 2 अलग-अलग अस्पतालों में ले गए, तो वहाँ भी उनसे पैसे हड़कर चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद परिजनों ने उसको मेरठ मेडिकल में भर्ती कराया तो चिकित्सकों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। बताया जाता है कि इन भगवान रूपी चिकित्सकों ने इस रोग पर काबू पा लिया है, जिसमें अनुज को आज आंखें से दिखाई देने लगा है। वहां के चिकित्सकों ने अनुज की आंखों में कुछ इंजेक्शन लगाए और उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया। आंखों की रोशनी आने पर परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने मेडिकल के चिकित्सकों का धन्यवाद अदा किया। आपका नाम? मेरा नाम विकास त्यागी, तो अलीपुर। अच्छा, कौन सा गांव है? गांव अलीपुर। अच्छा, यहां पर अभी कुछ पता लगा था कि कोई बंदा है वो बीमार हो गया है, क्या बीमारी है उसको? वो हमारे परिवार में जो है चाचा का लड़का है जी, परिवार से ही जी। नाम उसका सोनू है जी, और पिताजी का नाम ओम प्रकाश है जी। उसके पहले तो कुछ जो है 5-7-8-10 दिन से कुछ बुखार चल रहा था जी। बाद में उसे मुजफ्फरनगर दिखाया गया जी, तो वहाँ जो है मुजफ्फरनगर डॉक्टर ने ब्लैक फंगस की पुष्टि की है, प्राइवेट डॉक्टर ने। कहाँ के डॉक्टर ने? मुजफ्फरनगर के डॉक्टर। अच्छा, तो वहाँ से ब्लैक फंगस की उन्होंने उसकी पुष्टि की। उसकी आंखों पर जो है लाली आ गई थी, आँख सूज गई थी जी, और हालत जो है वो थोड़ा ख़राब हो गई थी। बाद में टेस्ट वगैरह कराए, MRI वगैरह कराई जी, तो वो भी डॉक्टर ने देखने से जो है वो देखा नहीं, और उसे कहा कि इसे जो आप कहीं और ले जाओ जी। उसके बाद परसों हम लोग जो है उसे वहाँ से मुजफ्फरनगर से मेरठ ले गए जी, मेरठ न्यू ट्रामा हॉस्पिटल गए। उन्होंने भर्ती करने से इनकार कर दिया। उसके बाद हम उसे जो है कैपिटल हॉस्पिटल है जी, वहाँ ले गए। वहाँ उन्होंने रात भर रोका, सुबह उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए जी। उसके बाद कुछ सिफारिश वगैरह से जो है क्या नाम है उसका मेडिकल कॉलेज जो है क्या नाम है मेरठ में, वहाँ उसका इलाज चल रहा है और आज उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, कल वो वहाँ भर्ती करा दिया गया था। तो क्या मेरठ के डॉक्टरों ने भी उसको ब्लैक फंगस बताया? ब्लैक फंगस की पुष्टि करी, आँख में इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, तो डॉक्टरों का कहना है कि उसी के ही लक्षण है और स्टेज जो है ये अभी पहली स्टेज है। अच्छा,